गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर टेन मिरिकल्स ऑफ गॉड मिरिकल्स ऑफ गॉड इट मींस ईश्वर का चमत्कार लेट्स लट्सार जीजस क्रिस वाज़ बोर्न ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर इन जेरुसलम जीजस क्रिस का जन्म पच्चीस दिसंबर को जेरुसलम में हुआ था मैरी वाज इज मदर एंड जोसेफ वाज इज़ फादर उसकी माता का नाम मैरी था और पिताजी का नाम जोसेफ था ही वाज अ जू वैक जू थे दैट टाइम मैनी ब्लाइंड फेथ वर प्रिवलेंट इन दोसाइटी उस समय समाज में बहुत सी बुराइयाँ और अंधविश्वास था समर्जीमैन चीटेड एंड मिस गाइडेड द इनोसेंट पीपल कुछ मासूम लोगों को मिसगाइड कर मिसगाइड करके उन्हें ठगते थे जीजस क्रिस्ट कुड नॉट बियर ऑल दिस ईवल जीजस क्रिस्ट इन बुराइयों को सहन नहीं कर सके ही एडवाइज द पीपल नॉट टू बिलीव इन सच प्लाइंट थ्योरीज उन्होंने लोगों को समझाया कि वह इस प्रकार के अंधविश्वास को ना माने ही प्रीच द पीपल टू बी इन राइट वे उन्होंने लोगों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी मैनी पीपल लिसन टू हिम एंड फॉलो हिम बहुत से लोगों ने उन्हें सुना और उनकी बातों को फॉलो किया दे रिगार्डिड हिम एज द मैसेजर ऑफ गॉड वह उन्हें देवदूत की भांति जो वहाँ के लोग थे उन्हें देवदूत की भांति समान देने लगे और जो उन और उनको ईश्वर का संदेश लाने लाए गए बताया गया जीजस क्रिस्ट को भगवान का देवदूत बताया गया कि वो ईश्वर का मैसेज लेके आए हमारे लिए देर आर मैनी लेंजेंड्स ऑफ मैरिकल्स अबाउट जीजस क्रिस्ट आपने बहुत सी जीजस क्रिस्ट की जीजस क्रिस्ट के बारे में बहुत सी चमत्कारी कहानियाँ सुनी होगी वन ऑफ दैम इज गिवन बिलो उनमें से एक नीचे दी गई है वन डे जीजस केम टू दी ऑफ गैली गैलील एक दिन यसू मसीह जीजस की गैलील समुंदर के पास आई ही क्लिम्ड अपिल एंड सेट ऑन इट और पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए आफ्टर सम टाइम अ क्राउड ऑफ पीपल केम हेयर कुछ समय बाद लोगों की एक भीड़ वहाँ आई दे ब्रॉट सम लेन सम ब्लाइंड डेफ एंड डम पीपल विद डेम उन्होंने उन, उन वह कुछ लंगड़े कुछ अंधे बहरे और गूंगे लोगों को लाए थे दे थॉट दैट द हैंडीकैप्ड पीपल वुड गेट वेल इफ जज जीजस ब्लेस्ड हिम उन्हें लगता था कि यदि जीजस क्रिस इन हैंडीकैप लोगों को आशीर्वाद देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे देरवाजा अ कल एक चमत्कार हुआ द डम मैन बिगन टू टॉक द लेन बिकम टू वॉक एंड द ब्लाइंड मैन बिकम टू सी जीजस विद देयर ओन आइज गूंगे व्यक्ति बोलने लगे लंगड़े चलने लगे और अंधे जो अंधों ने अपनी आँखों से जीजस को देखा द डेफ मैन हीयर क्लियरली और बहरे आदमी को स्पष्ट रूप से सुनने लगा साफ़ सुथरा सुनने लगा ऑल द पीपल प्रेजेंट दे आर वंडर वेरी मच वहाँ जो प्रेजेंट थे लोग उपस्थित थे वो शौक हो गए थे हैरान हो गए थे द क्राउड संग एंड डांस मियरली भीड़ खुशी से नाचने गाने लगी दे संग दे संग इन प्रेज ऑफ गॉड व ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाने लगे They stayed there all the night. वे दे स्टेड देयर ऑल द नाइट वह वहाँ सारी रात रुके देव देयर फॉर थ्री डेज फिर वह तीन दिन के लिए रुके दे वर हंगरी याट दे वर ग्लैड वह भूखे थे फिर भी खुश थे जीजस कॉल्ड हिम डिसिप्लिन कॉल्ड हीज डिसिप्लिन एंड सैड गिव दम फूड जीजस ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा इन्हें भोजन दो हीज डिसप्लिन सैड डियर lord हाउ कैन वी गिव them फूड दे आर सो many एंड वी हैव नियरली नो फूड उनके शिष्य ने कहा डियर lord प्रिय ईश्वर हम इन्हें भोजन कैसे दे सकते हैं वे तो बहुत सारे हैं और हमारे पास भोजन लगभग ख़त्म हो गया है क्रिस्ट आगे से क्रिस्ट क्या बोलते हैं हाउ मेनी पीपल आर देयर कितने लोग हैं यहाँ पे डिसिप्लिन शिष्य क्या बोलते हैं फोर थाउजेंड पीपल आर देयर माय लॉर्ड हे ईश्वर चार हजार लोग हैं तो क्रिस्ट क्रिस्ट ने क्या बोला हाउ मैनी लोव्स डू यू हैव कितनी लो, लोव्स होते हैं रोटियाँ हाउ मैनी लोव्स कितनी रोटियाँ हैं तुम्हारे पास डिसिप्लिन ओनली सेवन लोव्स सात रोटियाँ क्रिस्ट हाउ मैनी फिश डू यू हैव कितनी फिश है आपके पास तो डिसिप्लिन क्या बोलता है ओनली फ्यू फिश कुछ ही फिश है तो क्रिस्ट आगे से क्या बोला है ब्रिग द सेवन लोव्स एंड फिश हेयर जो सात रोटियां हैं और फिश है वो मेरे पास लेके आओ तो हीज डिसिप्लिन ब्रॉट लॉव्स एंड द फिश दैट हैड विद दैम देन दे पुट दैट लिटल फूड बिफोर जीजस क्रिस्ट उसके शिष्य अपने साथ मछलियाँ और रोटियाँ लेकर आ गए फिर उन्होंने वह थोड़ा सा भोजन जो थोड़ा सा भोजन था सात रोटियाँ और फिश इसका ईश्वर के सामने मतलब ईसु मसीह के सामने जीजस क्रिस के सामने रखा जीजस लुक अप इन द स्काई एंड सैड थैंक यू फादर फॉर द फूड यू हैव सेड फॉर दीज पीपल जीजस ने आकाश की तरफ बादल की तरफ देखते हुए कहा धन्यवाद ईश्वर यह भोजन इन लोगों के लिए भेजने के लिए ही देन सेड टू हीज डिसिप्लिन डिस्ट्रीब्यूट दीज लॉब्स एंड फिश अमंग दीज पीपल फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा यह रोटियाँ और मछलियाँ इन लोगों को बाँट दो दस फोर थाउजेंड पीपल एट द ब्रेड एंड फिश इसी प्रकार चार हजार लोगों ने रोटियाँ और मछलियाँ खाई दे वर सेटिस्फाई एंड देयर वैलीज वर फुल ऑल द पीपल्स आउटेड विद जोए उनका पेट भर गया था और वह संतुष्ट हो गए थे मतलब वह उनका पेट बहुत अच्छे से भर गया था ऑल द पीपल्स आउट विद जोए सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे विक्ट्री ऑफ जीजस जीजस की जय हो विक्ट्री ऑफ क्रिस्ट क्रिस्ट की जय हो ही फॉरगिव्स हीज फूज ही इज द सन ऑफ गॉड ये अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं ये भगवान के बेटा है ये इन्होंने कहा जीजस की जय हो क्रिस्ट की जय हो ये तो भगवान का बच्चा है बेटा है ये अपने दुश्मनों को माफ कर देता है इस चैप्टर में हमने जीजस क्रिस्ट की स्टोरी सुनी थैंक यू हैव अ